Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in Lakshmi class we have a tree planting campaign because we all know that the summer vacations are going on and my two students who study in America they came India for a trip and we all plan to plant a tree to make people aware to plant a tree is a small contribution to save our environment in our hands. And really, it was a wonderful campaign. We have a too much lifetime memorable experience. Let's meet with some students. They are participating in a campaign to save environment and they are going to plant a tree to make people aware about how they can do a small contribution to save our environment. My first question with Bunny. He's a student who is studying in America. Hello, Bunny. Hi, hello, ma'am. How are you? Okay, you are good. And this is Shiv. How are you, Shiv? Bahut achha. Aviral? Hello, Aviral. Hello, ma'am. Hello, Adi. Hello, ma'am. Hello, Atul. Hello, Didi. My simple question to you children, why we should plant a tree? Anyone can answer? Okay, Shiv, why should we plant a tree? Because it helps environment. To save our environment? Bunny, can you answer? A lot of people are cutting trees in the forest, and if there's no trees, then you can't breathe. Aviral, why it is necessary to plant a tree? Ma'am, it is necessary to plant a tree because it's our responsibility to help save the environment. My next question to you, Atul. प्लांटिंग अ ट्री पौधा लगाना आवश्यक है यह आवश्यक क्यों है क्या आपको लगता है कि आपके एक पौधा लगाने से आप पर्यावरण की बचाव की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं जी हाँ क्योंकि हम आज ऐसा कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम यह बता सकते हैं कि हमने ये पौधा लगाया आपको भी लगाना चाहिए इससे हमारा पर्यावरण मतलब अच्छा बना रह सकता है क्योंकि आजकल के समय में ऑक्सीजन वगैरह जैसे कि ऑक्सीजन की गैस भी लोग खरीद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आगे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत Of Aviral Bunny and Ishu join this campaign. So my simple question with Kushumdi, how are you feeling the in joining our campaign? हम बच्चों फीलिंग फैंटेस्टिक थैंक यू दी हम सारे बच्चों की तरफ से आपको थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दीदी ने बहुत मेहनत की है और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो पीछे आप देख सकते हैं जो हरियाली है इन्होंने अपने घरों में अपनी मेहनत से बनाई है इसमें अविरल ईशु बन्नी ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है और ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दीदी ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड और वाटर से इन जो प्लांट है उसे प्लांट करती हैं तो दीदी आप ऑर्गेनिक वाटर यूज़ करती हैं प्लांट करने के लिए और आप ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐड करती हैं तो आप कुछ बताइए कि कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है और हम बाकी लोग भी ऐसे किसे बना सकते हैं और ये इको फ्रेंडली भी है और कैसे बेनिफिशियल है तो हमारे घरों में तो जितने भी हम सब्जियां और फ्रूट्स रोज़ ही यूज़ करते हैं तो उनके जितने भी पील्स होते हैं उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ और एक डिब्बे में थोड़ा पानी के साथ में उन्हें भिगो देती हूँ और 3-4 दिन उनको वैसे ही छोड़ देती हूँ उसके बाद उस वो पानी को छान करके उसी पानी को मैं वीकली थोड़ा थोड़ा सारे ही पौधों में डालती हूँ उससे पौधे एकदम हेल्दी रहते हैं और जो उसका और जो और पार्ट जो बचता है जो सॉलिड पार्ट बचता है उसको एक गमले में मिट्टी के नीचे दबा देती हूँ तो वो फिर सॉलिड मैन्योर बन जाता है ओके थैंक यू दी इट्स अ वेरी गुड आइडिया और इसमें हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है और होममेड जो वेस्टेड है वो वेस्ट भी नहीं होंगे और उसका हम यूजफुल प्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट कर सकते हैं अंदर ही हम लोग ये मस्टर्ड केक्स और नीम केक्स ये भी मिला देते हैं तो उससे वो कीड़े वीड़े भी नहीं लगते हैं ओके पेस्टिसाइड्स की तरह वो वर्क करता है जैसे कि मैंने ये मनी प्लांट में आप नीचे तक देखोगे एक भी पत्ती आपको सूखी या किनारे से ब्राउन नहीं मिलेगी हाँ यू आर राइट दी ऑर्गेनिक वाटर या कहीं से भी आपको सारे सारे लीव्स नीचे तक भी हेल्दी मिलेंगे It's a very good idea by you, Dee, and I am very thankful to you. I think the people will follow your idea, and I will also follow. Guys, you will follow or not? Yes, yes. Yeah, your nani is motivation for you all? Yes. Yes. Thank you.
एंड नाउ वी विल प्लांट द ट्री इन हैंड ऑफ एवरी वन वी विल गोइंग टू प्लांट अ ट्री टू मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल. थैंक यू कुसुंदी फ्रॉम माई कोर ऑफ द माई हार्ट. थैंक यू सो मच. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कैंपेन इज वी हैव अ लर्निंग अबाउट द ऑर्गेनिक मैन्योर होम मेड मैन्योर फ्रॉम द किचन वेस्टेज. And this manure is prepared by the peels of vegetables and the left out fruit or foods. And really it is very eco-friendly and beneficial for the plants also. So it's my humble request to you all, please prepare this type of manure which is made up from the kitchen wastes and it is not too much expensive also. Anyone can afford this. So please be aware, save our environment. So that our earth is saved in hands of its citizens.